हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ एस्थर क्रेडी वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप आप सभी अच्छे एंड सेफ हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भरतपुर बर्ड सेंचुरी का वीडियो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसका नाम है केवला देव नेशनल पार्क। हमारी गाड़ी, हम जा रहे हैं पार्क करने, गेट नंबर 2 से पार्किंग है, वहीं जाके पार्क करेंगे और अंदर से ही एंट्री भी है। तो अब हम जा रहे हैं गेट नंबर 2 पे। देखो, हम सोचे कि 200-250 रुपए लेके तैयार है। पापा ये लेके जा सकते हैं? ये देखिए, पार्किंग एरिया बहुत ही बड़ी सी है, इजिली बहुत सारे कार यहाँ पे पार्क हो जाएंगे। यहाँ पे बस की भी पार्किंग अलग से है और कार पार्किंग भी अलग से है। तो बस हमारी गाड़ी भी पार्क हो गई, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ गाड़ी पार्क करने के चार्जेस है 60 रुपीज। स्टूडेंट्स के 46 रुपीज है, इंडियन सिटीजन 126, नॉन इंडियन सिटीजन 761। और आप अगर आप बोट ले जाएंगे, टांगा लेंगे, रिक्शा लेंगे, ऑटो लेंगे, सबके चार्जेस यहाँ पर मेंशनड है। ये है टिकट, आपको इतना बड़ा सा टिकट मिलेगा और अंडर 6 बच्चों का फ्री है एंट्री। भरतपुर बर्ड सेंचुरी के अंदर ही ये सारे टांगा, रिक्शा, साइकिल्स सब लगे होते हैं। सबसे पहले आपको जाकर के टिकट काउंटर पे अपनी एंट्री टिकट कट करवानी है और उसके बाद आपको क्या लेना है, मतलब साइकिल लेना है या रिक्शा या टांगा, जो भी लेना है उसका पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आप पैदल जाइए। तो हमने भी एक रिक्शा कर ली और एक साइकिल कर ली और यहाँ पर आपको अपने टिकट चेक करवाने होंगे। रिक्शा पे एक बड़े और 2 छोटे बच्चे बैठ सकते हैं। से उतर गए और जा रहे हैं एक यूनिक बर्ड देखने, तैयारी पूरी टाइट है। वहाँ 3 बैठे हैं ना, उनको दिख नहीं रहा। स्पॉटेड आउट, ये देख, वहाँ 3 बैठा है ना, इसे तो दिख ही नहीं रहा। अरे यार, नीचे से दो मामा को, दो मामा दिख गया, दो ना अम्मा। बहुत सारे यहाँ पर ग्रीन पीजन है, जाहिर सी बात है वीडियो में तो आपको दिखेगा नहीं, आपको आकर के ही देखना होगा। ग्रीन पीजन है, ये कभी जमीन पे नहीं बैठता, ये हमेशा बर्ड पे ही बैठता, सॉरी पेड़ पे ही बैठता है। मिसवाक का पेड़ है सारा, ये जो झाड़ियाँ वाली जितने भी पेड़ पे जो मिसवाक पेस्ट बनता है ना, उसी की है ये झाड़ियाँ। मम्मा ये क्या था? यहाँ ये बैरियर लगा है, यहाँ पर फिर से टिकट की चेकिंग होती है कि आपने ये जो रिक्शा या फिर साइकिल लिया है उसका आपने टिकट लिया है या नहीं, उसकी चेकिंग हो रही है। तो मम्मा यहाँ पे ये मिलेगा, कुछ मिलेगा ही बर्ड फूड है, ये प्रोटीन मतलब क्या होता है, बाहर भी आ जाती है फूड।
तो सर उसके हॉल के अंदर ना एक मॉनिटर लिजर्ड है, उसका सिर्फ फेस दिख रहा है। अच्छा, इससे देखो, इससे ये देखो, आप वहाँ पर बीच से होल में एक लकड़ी जैसा लग रहा होगा निकला हुआ है, वो एक लेजर्ड है। वो बस अपना फेस निकाल करके बैठा रहता है। ये है मॉनिटर लेजर्ड, पॉन्ड हेरॉन लेडी बर्ड। देखेंगे आप बहुत दूर से वो चल रहा है, ऐसे वो ब्राउन दिख रहा है, जैसे ही वो उड़ेगा तो वाइट दिखने लग जाता है। अच्छा, ये सारे इंडिया में मिलते हैं? सारे इंडियन ही हैं, लोकल माइग्रेटेड स्पीशीज है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो काफी आता है। और ये तो अपना मान लो एक तरह का रेजिडेंट बर्ड। अच्छा, और जो पर्पल हेरॉन ग्रे हेरॉन वो एक तिब्बत से आता है, एक हॉलैंड से आता है, लेकिन वो दोनों ही माइग्रेट लोकल माइग्रेट ही है यहाँ ब्रीडिंग के लिए। जो पानी में आप देख रहे हैं ग्रास निकला हुआ है, इसको बोलते हैं पास पालन। अगर ये गाय भैंस को खिला दिया जाए तो 2 लीटर दूध और बढ़ जाता है। किंगफिशर बहुत दूर है, एक ब्राउन कलर की बर्ड है, इसका नाम है विसलिंग डक। वो उड़ती है ना तो विसल की तरह आवाज आता है। वो डक के पीछे भी दो अलग कलर के हैं, देखो वो है रेड बॉर्डर्ड लैपिंग, यही वाला बर्ड है जो हमेशा ग्राउंड में रहता है। अच्छा, कभी भी पेड़ पे नहीं बैठता ये वाला। और इससे पहले लोग लोकल लोग हैं जैसे गांव के हैं। क्या नाम था भैया उसका? रेड बॉर्डर्ड लैपिंग। पहले लोग इससे मानसून का भी पता लगा लेते थे, जैसे मानसून में किसी भी अगर ये माउंट पे अंडे दे रहा है तो समझ अच्छी बारिश होने वाली है, अगर प्लेन जगह पे दे रहा है तो कम बारिश होने वाली है। और इसके अंडे होते हैं जैसे 3 इस तरह से जुड़े हुए हैं तो समझो वो 3 महीने अच्छी बारिश होने वाली है, अगर 2 ऐसे जुड़े हैं तो 2 महीने, अलग अलग हैं तीनों तो समझो कि बिल्कुल नॉर्मल बारिश होने वाली है। तो पहले इसका मानसून का भी इससे बहुत लगाते थे। बेटा उसको रखे रहो, ऐसा ग्राउंड में रहता है और जैसे कोई इसको मॉनिटर लीजर वगैरह दिखेगा तो धीरे धीरे के आवाज करते करते उसको दूर ले जाएगा, दूर छोड़ के फिर अपने अन्य बच्चों को पास आ जाएगा। और इसका हमने सुना है लेकिन देखा कभी नहीं है कि ये अपने अंडों को तोड़ने के लिए पारस का पत्थर लेके आया। सोना बन जाता है, देखिए हमें तो नहीं लगता है क्योंकि वो तो बहुत दूर समुद्र एरिया में मिलता है, बस वही छोड़ दो अपने आप इतनी दूर, पर जहाँ तक है वहाँ तक हमारा ये गलत ये वाला जंगल तो ये बर्ड पारस पत्थर लाती है और खुद अपने अंडे को फोड़ती है, तोड़ती है ऐसा सुना है, किताबों में भी देख पढ़ा है लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये सच है। और यहाँ पर आप देखिए रिया सिया गिलहरी को अपने हाथ से चिप्स खिला रही है, बिस्किट खिला रही है। गिलहरी भी बहुत हिम्मत करके लास्ट में फाइनली आती है और उसके हाथ से लेकर के जाती है। स्पॉटेड डियर है ना ये, इसके सिंग है बड़े से, ये मेल है, फीमेल के सिंग नहीं होते हैं। पार्क के अंदर एक ही है, फूल लग रहा है कि डाली ही है ना। हाँ, एकदम मन मन करके देखना, ज्यादा उधर मत जाओ निकल जाएगा सांप। रियर बर्ड है, नाइट चार। इसी क्या खूबियां है मैम? ये नॉक्टल बर्ड है, नाइट को फीडिंग के लिए निकलता है, दिन को रेस्ट करता है, सोता है, और अपने पूरे पार्क के अंदर इस टाइम बस एक ही दिखाई दे रहा है, ये इसलिए बहुत ही रियर बर्ड है। इसका क्या नाम है? स्नेक बर्ड, और किताब में देखेंगे तो इसका नाम होगा डार्टर, इंडियन डार्टर। ये फिशिंग के लिए जाता है, पूरा बॉडी पानी के अंदर होता है, नेक बाहर होता है, लुक लाइक नेक सेमी स्नेक, और इसका बॉडी वाटर प्रूफ नहीं होता है, जैसे आएगा ये पूरा पंख खोल के फिर सुखाएगा अपनी बॉडी का। अच्छा, तुरंत सूख जाता होगा। मम्मा उसका नाम क्या है? स्नेक बर्ड, स्नेक बर्ड, वो अपने स्नेक की तरह ना अपना गर्दन मोड़ लेता है पूरा। तिब्बत का बर्ड है ये, पर्पल हेरॉन, लग रहा है कि
डंडा ही एक है बीच में पड़ा हुआ, ये फिश का वेट कर रहा है, तिब्बत का बर्ड है ये। ये देखो यही है वो बर्ड, ग्रे हेरॉन, ये वाला हॉलैंड का बर्ड है ये। इसका येलो बीक होता है, ग्रे बॉडी होता है, ब्लैक शोल्डर। पापा एक और ब्लैक नेक वाला कोई उड़ रहा था भैया, ये व्हाइट कलर का था और ब्लैक नेक था, और एक जो वो बैठा है वहाँ पे उस डंडी पे ब्लैक कलर का, हाँ वो स्नेक बर्ड है, स्नेक बर्ड है। और एकदम पीछे जो बैठा है लकड़ी पे वो कॉर्मोरेंट है, हाँ वही वाली वाला, वही वाला कह रहा हूँ, उसके लेफ्ट में एक और बैठा हुआ वो स्नेक बर्ड है। पर्पल मोर है, कश्मीर का बर्ड है ये, ग्रास खाता है। ब्लू बॉडी या रेड बीक, ब्लू बॉडी रेड बीक। अरे पीछे भी मिला, आ करके देखो दोस्तों बहुत मजा आएगा। लेफ्ट में थोड़ा पेंटेड स्टार्क बैठा हुआ है, देखो बीच में व्हाइट आई बेस, और इजिप्ट कंट्री का, इजिप्ट कंट्री का नेशनल बर्ड, और न्यू नेम है इसका ब्लैक हेडेड आई बेस, इसका बीक भी आई की तरह मुड़ा हुआ है। अच्छा, और एक ये टॉप पे, सबसे टॉप पे बैठा हुआ अकेला, हाँ ब्लैक बीक ब्लैक हेड और नेक भी पूरा ब्लैक है, व्हाइट बॉडी है ये, आई बेस इजिप्ट कंट्री का नेशनल, वही ना जो यहाँ पर अभी बैठा हुआ था। इधर भी है ये नेस्ट में, इसके बच्चे भी हैं, ये फीमेल है, वो वाला मेल है। अच्छा, ये फीमेल है, बच्चों को ब्लैक वाला है जो ब्लैक ऊपर में ये है, हाँ जिसका। पापा ये आप जो बताए थे वो ऐसे सोमेनियन में जो उड़ती है भाई, है देखो इसे, बीबी ऑफ पाइथन लाइव सामने से भागो। खाली पड़ा हुआ है ये, इस पे पूरा माइग्रेटरी डक्स आएंगे। अच्छा, डक आई थी एक, लाखों में डक्स आते हैं, डक है एक वहाँ पे। अभी तो ये वाले बर्ड हैं, अभी उड़ के वहाँ पानी में थे, ये आए हुए हैं, बाकी का भी माइग्रेटरी बर्ड डक्स आएंगे जब ठंड और पड़ेगी तब। हाँ, जितना ठंड बढ़ेगा उतना ही बर्ड आता है हमारे, क्योंकि उधर बर्फ पड़ता है तो इनका खाना पीना सारा बर्फ से क्लोज हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ फीडिंग के लिए आते हैं, यहाँ ब्रीड नहीं करते, इनका मेटिंग इधर होता है लेकिन ये वापस जाके लद्दाख में ब्रीड करते हैं। अच्छा, जनवरी में बच्चे ले जाने में वहाँ से आसानी होती है, और हमारे यहाँ मार्च में क्या होली के बाद मौसम एकदम चेंज हो जाता है तो वो गर्मी सहन नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ से वो चले जाते। जनवरी में आएगी? नहीं, इसी महीने में आएंगे, थोड़ा सा और ठंड बढ़ेगा तो 10 दिन के बाद काफी बर्ड आ जाएगा, 10-15 दिन के बाद। तो फ्रेंड्स ये वीडियो तो हमारा पहले का है, नवंबर मिड का है, लेकिन अब तक बर्ड्स पूरे आ गए होंगे। कॉर्मोरेंट पूरी ब्लैक होती है। अरे ये तो एकदम इससे देखने पे लग रहा है कि एकदम मेरे सामने ही आ गया, देखो ना कॉर्मोरेंट। मम्मा एकदम स्टाइल। चाइना जापान की बर्ड है ये। ओपन बिल साउथ इंडिया की। अच्छा, साउथ इंडियन बर्ड्स। ये वाली ही, हाँ ये जितने भी बड़े हो गए ना सारे घूमे हो गए, जब ये छोटे इसके बच्चे रहते हैं वो बहुत चिल्लाते हैं, और ये जैसे ही बड़े हो जाते हैं फिर ये गूंगे हो जाते हैं। इधर का ये एरिया है वो बोटिंग का है, जैसे ही सामने से हम एंट्री करते हैं तो जस्ट बोटिंग का एरिया है। अभी फिलहाल बोटिंग हो नहीं रही है।
तो ये सारे पिक्चर्स बर्ड के यहीं के हैं, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।